हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि हम एंजल वन में कोई भी शेयर को बाय और सेल करते हैं तो हमें कितना चार्ज पे करना पड़ता है, कितनी ब्रोकरेज लगती है, इंट्राडे में क्या ब्रोकरेज लग सकती है और डिलीवरी के अंदर क्या ब्रोकरेज लगती है, यदि हम कोई स्टॉक सेल करते हैं तो उसका चार्ज कितना लगता है। तो जैसे ही आप एंजल वन ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने तीन शेयर शो कर रखे, एक येस बैंक का, एक MRF का और एक टाटा पावर का, जिसका कि अभी प्राइस है येस बैंक का है अभी 15 रुपीज़ समथिंग, यहाँ पे आपको 19 समथिंग, यहाँ पे 19,000 समथिंग और यहाँ पे 225 रुपये है। तो यहाँ पे जैसे मैंने येस बैंक का सबसे कम रेट है और MRF का सबसे ज़्यादा रेट यहाँ पे शो कर रखा है और टाटा पावर का एक एवरेज से रेट है। आज हम तीनों के ऊपर बात करेंगे कि तीनों के ऊपर क्या क्या चार्ज लगता है। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्टली येस बैंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे मैं बाय के ऊपर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैं इंट्राडे के ऊपर बाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी बाई करने वाला हूँ जिसका प्राइस है अभी 15 रुपये 65 पैसे। तो मैं यहाँ पे अप्लीकेबल चार्ज के ऊपर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे शो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे चार्ज शो हो जाएगा। यदि आप इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज के 20 रुपये यहाँ पे फ्लैट आपको लगेंगे। यदि आप एक शेयर बाई करो या ज़्यादा शेयर बाई करो, ये आपको 20 रुपये कम से कम पे करने ही पड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद आती है एक्सटर्नल चार्ज, जहाँ पे आपको शो, यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, ये आपका 0 है इंट्राडे के अंदर। आपका सिक्योरिटी चार्ज, एसटीटी चार्ज, ये भी आपका 0 है यहाँ पे। आपको डीपी चार्ज इंट्राडे के अंदर बिल्कुल 0 लगता है। एस से भी टैक्स यहाँ पे आपको 0 है। यहाँ पे ट्रेड वैल्यू यहाँ पे शो करा के आपको 0.001 के हिसाब से पे करना पड़ता है, और स्टैंप ड्यूटी 0.003 के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे आपको 20 रुपये यहाँ पे आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, और उसके ऊपर आपको 3 रुपये 60 पैसे आपको GST लगता है। इस तरह से आपको 23 रुपये 60 पैसे आपको पे करना पड़ता है। यदि आप कोई भी ऐसा स्टॉक बाई कर रहे हैं जो इंट्राडे के अंदर है और जिसका प्राइस बहुत कम है, तो आपको 23 रुपये 60 पैसे लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टॉक बाई किया है, तो आपको 23 रुपये 60 पैसे यहाँ पे आपको टोटल पे करना पड़ रहा है। यदि मैं इसी इंट्राडे के अंदर यदि स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक स्टॉक बाई करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 1000 स्टॉक बाई करने वाला हूँ, तो उसके ऊपर क्या चार्ज लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लीकेबल चार्ज के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज वही लगेगी, आपको 20 रुपये यहाँ पे फ्लैट पे करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे आपका ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन चार्ज आपको 0.43 पे करना पड़ेगा, एसटीटी चार्ज आपका 0 लगेगा, इसी तरह डीपी चार्ज भी आपको 0 पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सेबी टैक्स भी 0.02 पे करना पड़ेगा, और स्टैंप ड्यूटी 0.47 पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंट्राडे के अंदर स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पे कुछ चार्ज आपको पे करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको GST यहाँ पे टोटल अमाउंट के ऊपर, इस टोटल अमाउंट के ऊपर आपको 3.68 पैसे GST पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 24 रुपये 60 पैसे पे करना पड़ेगा। उस केस में आपको 23 रुपये 60 पैसे समथिंग पे करना पड़ रहा था, यहाँ पे आपको 24 रुपये 60 पैसे। वहाँ पे आपको एक क्वांटिटी बाई कर रहे थे, यहाँ पे 1000 बाई कर रहे हैं, इतना डिफरेंस होने के बाद 1 रुपये का मोस्टली डिफरेंस आया है। तो इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे इसी स्टॉक में यदि मैं डिलीवरी के अंदर बाय देखने वाला हूँ, तो डिलीवरी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अप्लीकेबल चार्ज के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो डिलीवरी के अंदर आपका यहाँ पे ब्रोकरेज बिल्कुल 0 लगती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपका यहाँ पे डिलीवरी के अंदर ब्रोकरेज 0 है। यहाँ पे एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज आपको 0.43 यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका STT चार्ज होता है, STT चार्ज यहाँ पे यदि आप डिलीवरी स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं, तो यहाँ पे आपका STT चार्ज लगता है, जो कि यहाँ पे आपको 100 रहेगी, आपका 15 रुपये 65 पैसे STT चार्ज लगता है। तो यहाँ पे आपको डीमेट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे DP चार्ज आपको 0 है, यहाँ पे आपका SAB टैक्स यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी आपका 2.35 रुपये है, और यहाँ पे आपको GST यहाँ पे टोटल चार्ज आपको 18 रुपये 52 पैसे पे करना पड़ेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना चार्ज पे लगा है। यहाँ पे यदि आप डिलीवरी के अंदर कोई स्टॉक बाय करने वाले हैं, तो आपको 18 रुपये यहाँ से समथिंग पे हुआ है, लेकिन इसकी वैलिडिटी आप लॉन्ग टर्म कभी भी इसको सेल कर सकते हैं, उसमें आपको 24 रुपये पे करने वाले थे और यहाँ पे आपको 18 रुपये समथिंग लगे हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे येस बैंक का कोई स्टॉक बाय किया है, इसी तरह यहाँ से आप MRF के किसी स्टॉक को बाय करने वाले हैं, जैसे मैं ये बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से आप इंट्राडे डिलीवरी कोई भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक शेयर बाय करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मेरा चार्ज लगेगा 20 रुपये, ये फ्लैट हो गया,
और यहाँ से आपको एक्सटर्नल चार्ज 2 रुपये, यहाँ से इस तरह से आपको 29 समथिंग पे करना पड़ेगा 1 शेयर का। और वहाँ पे आपको, जैसे मैंने यस बैंक के अंदर 23 था, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कितना डिफरेंस आया, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे क्वांटिटी और शेयर के प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह मैं यहाँ से जैसे 1000 शेयर बाय करने वाला हूँ तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 5710 रुपये यदि मैं इंट्राडे के अंदर करता हूँ, तो यहाँ से मेरा ट्रांजेक्शन चार्ज और यहाँ से SAB टैक्स, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी, यहाँ से मेरा इंक्रीमेंट हो जाता है, तो यहाँ से मुझे पे करना पड़ेगा यदि मैं 1000 पे कर बाय करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूंजी भी यहाँ पे कॉस्टली हो गई 1000 की। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे आप टाटा पावर का कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो आप टाटा पावर के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप एक क्वांटिटी डाल देंगे और यहाँ पे अप्लीकेबल चार्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा कि आप 23 रुपये 61 पैसे यहाँ से पे करने वाले हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं यदि आपका, जैसे यहाँ पे ब्रोकरेज यहाँ पे फ्लैट होता है, ट्रांजेक्शन चार्ज ये आपका समथिंग लगता है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। DP चार्ज यदि आप कोई भी स्टॉक सेल करते हैं, यदि आप इंट्राडे करते हैं तो DP चार्ज वहाँ पर नहीं लगता है बाय और सेल करते हैं। यदि आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो DP चार्ज डिलीवरी के अंदर नहीं लगता, यदि आप कोई स्टॉक डिलीवरी के अंदर सेल करते हैं तो वहाँ से आपको DP चार्ज पे करना पड़ता है। इस तरह से जैसे आज मैं वीडियो ये अक्टूबर 2022 के अंदर बना रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अपडेट होता रहता है, आज के टाइम इतना चार्ज लग रहा है। यदि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका चार्ज कब कितना लगने वाला है, तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ से इंट्राडे डिलीवरी और यहाँ से यदि आप मार्जिन में बाय करने वाले तो मार्जिन का भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, मार्जिन के अंदर कितना चार्ज लगने वाला है, यहाँ से आपको सब कुछ शो हो जाएगा, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यदि मैं इंट्राडे डिलीवरी और के अंदर कोई भी बाय और सेल करता हूँ, यदि स्टॉक का प्राइस कम है या ज़्यादा है तो उसके अंदर मुझे कितनी ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, मेरा कितना चार्ज लगता है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।